ये है दिल्ली दर्पण। तलवार से घायल SHO प्रदीप पालीवाल ने बताई आप बीती। नहीं, झगड़ा कोई नहीं था, मुझे फिर लगा कि भी रोकना चाहिए इसको, मैंने उसको रोका तो उसने फिर वार किया। आखिर किसने और क्यों चलाई थी SHO पर तलवार? मैंने उसे रुकने के लिए कहा तो उसने मुझे कहा भी हट जाओ ना तुझे ही मार दूंगा। किसानों के साथ लोकल लोगों और पुलिस में कैसे बढ़की हिंसा? गांव वाले आए थे, उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने बात करने से मना किया। दिल्ली दर्पण टीवी से घायल SHO की खास बातचीत। स्वामी, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। कल अलीपुर थाने के SHO प्रदीप पालीवाल के साथ जो हादसा हुआ, उनके हाथों में भी काफ़ी चोट लगी है। हम ये जानने पहुंचे हैं कि अक्सर उस दिन एक्चुअली हुआ क्या था, तो पालीवाल जी क्या हुआ था उस दिन, जो हिट ऑफ मोमेंट था वो क्या था? उस दिन कुछ गांव के आसपास के गांव के लोग इकट्ठे होकर आए थे, पहले भी आते रहे हैं इनसे रिक्वेस्ट करने, और उनकी रिक्वेस्ट ये थी कि आपके कारण हमें असुविधा हो रही है और काफ़ी लंबा समय हो गया है, हम परेशान हैं, इसका कोई समाधान निकालो, या तो आप कोई अलग जगह ले लो या हमें रास्ता दो, उस तरह की वो बात करना चाह रहे थे, उस बात करने के लिए आए थे। तो वो झगड़ा कैसे हुआ उनके बीच में? क्या पहले से झगड़ा चल रहा था, आप उस समय मौजूद थे, क्या था? नहीं, झगड़ा कोई नहीं था, पहले भी इन्होंने कल परसों भी जो एक दिन पहले, जैसे कल की घटना है उससे एक दिन पहले भी आए थे और उन्होंने मिलने का प्रयास किया था, हमने भी प्रयास किया था कि गाँव के लोग मिलना चाह रहे हैं, मिल बैठ के बात करो, बात आगे नहीं बढ़नी चाहिए, तो उन्होंने जो किसान संघर्ष समिति वाले ने लोगों से मिलने से मना कर दिया था। लेकिन इतने सारे लोग पहुंच गए जहां स्ट्रिक्टली था कि मना थे कि कोई यहां पे नहीं आएगा, ना मीडिया वाले आ रहे थे, ना आम पब्लिक को आने जाने की मनाही थी, उसके बावजूद भी 150-200 लोग अगर वहां पहुंचते, वो कैसे पहुंच गए? नहीं, मीडिया को कभी कोई मनाही नहीं हुई, मीडिया जाती रही है और कोई मनाही नहीं थी। मुख्य है जो हमने जो बैरिकेडिंग वगैरह की हुई है वो ट्रैफिक के लिए की हुई है, क्योंकि आगे जाने का रास्ता नहीं है, और सिंगू गांव से अगर निकलते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा जाम हो जाता है और लोगों का एतराज़ होता है भी हम निकल नहीं पाते हैं, तो उनको डाइवर्जन के लिए हमने वो स्टाफ का डिप्लॉय किया हुआ है। पैदल आने वालों को लगता है कोई विशेष अगर इससे कुछ गड़बड़ हो सकती है, उनको रोकते भी हैं, मगर इन जनरल मनाही किसी के लिए नहीं है। और फिर गाँव के लोगों को बहुत सारे रास्ते पता है जो कन्वीनियंट होता है, छोटे रास्ते उधर से आते हैं लोग गाँव के, इधर के गाँव वाले, इधर नरेला बीच में, इधर सिंगू गाँव पड़ता है, उधर नरेला है, क्रॉस होके जाते हैं, एक दूसरे से मिलना मिल जाते हैं, ऐसी कोई पाबंदी तो किसी को नहीं है कोई। तो ऐसा वो जो जिस शख्स ने आप पे, हमने देखा कि काफ़ी सर पे वो वार कर रहा था, जो फोटो हैं मीडिया में वायरल हो गए थे, वो कैसे हुआ था, मतलब किस बात को लेकर वो नाराज था? उसने आप पे ही वार किया या आप रोक रहे थे तो आपको एक्सीडेंटली ये तलवार हो गई, ये चोट लगे? गाँव वाले आए थे, उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने बात करने से मना किया, तो इन्होंने नारे लगाए भी सिंह बॉर्डर खाली करो, उत्तेजना हुई और उधर से किसी ने जो सरदार साहब जो बैठे हुए हैं, सिख किसान जो बैठे हुए हैं, उन्होंने कोई पत्थर वगैरह चलाया, तो पत्थर वगैरह उतरे, काफ़ी सारे पत्थर आ गए, तो फिर इन्होंने भी रिटेलिएट किया और जो पत्थर आए थे उनको उठा के वापस उनकी तरफ फेंका, तो इस तरह से झगड़ा शुरू हुआ, शांत भी कर दिया गया था, और शांत करने के बाद इधर के लोग इधर के लोग हमने कर दिए थे, मगर अचानक काफ़ी सारे जो सिख किसान हैं उनमें से निकल के तलवार भाले फरसे इनके साथ लाठियां लेके काफ़ी लोग आ गए और उनको भी रोका, हमने प्रयास किया रोकने, मगर इनमें से एक ये निकल के जहां इधर लोकल गांव वाले थे साइड में आ गया तलवार ले रहता हुआ और बहुत तेज गुस्से में उग्र था, और मुझे लगा कि अगर इसको मैंने नहीं रोका तो ये कोई ना कोई नुकसान हो जाएगा, किसी की जान लेगा, मैंने उसे रुकने के लिए कहा तो उसने मुझे कहा भी हट जा वरना तुझे ही मार दूंगा, मगर मुझे फिर लगा कि भी रोकना चाहिए इसको, मैंने उसको रोका तो उसने फिर वार किया। कुल कितने वार हुए हैं? कल हमने कुछ फोटोग्राफ्स मीडिया में जो वायरल हुए वो देखे हैं, कितनी चोट आपको लगी है और क्या डॉक्टर आप बता रहे हैं कि कैसी हालत है, क्या मूवमेंट ये रिकवरेबल है कैसी? कुल 3 वार हुए हैं, जिसमें एक मेरी फोर आर्म पे है, एक हथेली पे है, एक उंगली पे है, जो उंगली से एक दो नर्व वगैरह कटिंग है उसका उन्होंने रिपेयर किया है, कल सर्जरी की थी, अब ठीक है, बाकी ट्रीटमेंट के बाद पता लगेगा। आपको ऊपर से क्या आदेश थे कि इनको, इनका आंदोलन चल रहा है या कोई शिकायतें भी आपके पास आ रही थी कि आप इनको हटाया जाए, तो इस तरह की शिकायतों के बीच में आपको क्या निर्देश दिए गए थे? नहीं, हमें कोई ऐसा निर्देश नहीं था हटाने का या कुछ करने का, रादर हम तो इनको सुविधा प्रदान करते थे, इनका कभी कोई इशू हो गया, पानी नहीं आया तो पानी मंगवा देना, कोई कूड़ा करकट ज़्यादा इकट्ठा हो गया है तो MCD से रिक्वेस्ट करके वो हटवा देना, टॉयलेट्स वगैरह अगर ज़्यादा इस्तेमाल लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी नहीं है, वो सुविधा देना, हम तो रादर इनका लाइसेंस करके मदद ही करते थे। और कल पता नहीं अचानक कैसे, क्या इतनी तैयारी किस चीज़ की थी, अचानक दिखाई दिए इतनी तलवारें भाले और फरसे अचानक दिखाई दिए? अभी वहाँ क्या स्थिति है, कुछ आपकी जानकारी में आया हो
मेरी जानकारी में जो मैं फीडबैक ले रहा हूँ, स्थिति सामने है, कंट्रोल में है सब कुछ। तो बिल्कुल, ये थे SHO प्रदीप पालीवाल। बहुत सारे पुलिस कर्मियों को जो 26 जनवरी के दिन आंदोलन हुआ था उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में चोट आई थी, और पूरे मीडिया में जो वायरल हुआ वो भी आपने देखा कि किस तरह से कितनी बड़ी संख्या में जो पुलिस वाले कर्मियों को चोट लगी थी। और इस स्थिति में जो गनीमत रही कि जो हाथ की स्थिति है ये मूवेबल है, रिकवरेबल है, वरना जिस तरह का वार प्रदीप पालीवाल पर हुआ था वो बहुत जानलेवा भी हो सकता था। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण TV। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर